भाई कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में ना नंबर वन होती है। नंबर वन से भी अगर कोई अच्छी पोजीशन होती होगी ना, वो उसको मैं देना चाहूँगा। मतलब बेवकूफ़ बना दो भी जितना पब्लिक को बना सकते हो, तुम थोड़ा बहुत चेंजेस करके, कलर चेंज करके, बैक कवर चेंज करके, मतलब उल्लू बना दो जिसका बना सकते हो पब्लिक का, जितना बना सकते हो लूट लो बस, कैसे भी करके, फ्रॉड करके, कुछ भी करके, बस पैसा निकलवाओ उनसे। तो भाई आज मैं जिस मोबाइल की बात आपसे करने वाला हूँ ना, वो कुछ ऐसी कंपनी का मोबाइल है। मतलब भाई देखा ना जब मैंने, मुझे इतना अजीब लगा यार, हद है। मतलब बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं पब्लिक को, कुछ भी 400 मेगापिक्सल, 800 मेगापिक्सल, 1000 मेगापिक्सल दे दो, फोटो उससे 2 मेगापिक्सल वाले भी ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। आप आपने दे दिया 1000 मेगापिक्सल, ठीक है, उससे 4K वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्या फ़ायदा भाई 1000 मेगापिक्सल, 1500 मेगापिक्सल का फिर। तो भाई आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी के मोबाइल की बात करने वाले हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगा आपसे सारी चीज़ डिटेल में, इसकी कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या क्या फीचर्स देके, क्या क्या फीचर्स के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। बिल्कुल स्किप मत करना भाई, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, एंड तक देखना, आप लोगों को अच्छी लगेगी ये वीडियो सही में, तो स्किप मत करना, एंड तक देखना। और भाई अगर आप लोगों ने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई रियलमी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं दो मोबाइल अपने, एक है रियलमी 11 प्रो प्लस 5G और जो दूसरा है वो है रियलमी 11 प्रो 5G, इसमें से प्लस हटा दिया है, ठीक है। वही 25 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं मोबाइल। इस रेंज में मैं कहूँगा ना, इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोन आप लोगों को मिल जाएंगे, इसकी भी बात करूँगा इसमें इन लोगों ने क्या क्या दिया है, कैसा इसमें कैमरा दिया है, कैसे डिस्प्ले दिए, कैसा प्रोसेसर दिया है, मतलब बिल्कुल डिटेल में बात करूँगा इसकी भाई। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियलमी 11 प्रो प्लस 5G की, और ये भी बताऊँगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली चीज़ें तो सेम ही है, बस कैमरे का, चार्जिंग का, बस ये दो फर्क इसमें दोनों में लगे हैं मुझे, और कोई फर्क नहीं है। डिस्प्ले सेम है, प्रोसेसर सेम है, सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं रियलमी 11 प्रो प्लस 5G की। भाई दो वेरिएंट में आता है, 8GB 256GB और 12GB 256GB, और भाई LPDDR4X इसमें आप लोगों को रैम मिल जाती है और UFS 3.1 का इसमें स्टोरेज मिल जाता है। और भाई ये दोनों ही मोबाइल तीन कलर में आते हैं, एक है ब्लैक, दूसरा है ग्रीन और तीसरा एक गोल्ड सा करके कलर है भाई, कुछ अजीब ही नाम दिया है इन लोगों ने इसका। और भाई इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें इन लोगों ने 6.7 इंच की फुल HD प्लस की OLED डिस्प्ले दी है, जो कि एक कर्व डिस्प्ले है भाई। चलो देखो ये चीज़ तो मैं अच्छी कहूँगा कि 30,000 रुपये की रेंज में आप लोगों को कर्व डिस्प्ले मिल रही है, और भाई 120Hz के रिफ्रेश रेट में आती है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है इसमें आप लोगों को। तो भाई देखो डिस्प्ले तो ठीक है। सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा इसकी फ्रेम के बारे में, भाई इन्होंने सिर्फ बैक कवर चेंज किया है इसका, जो इसका 10 प्रो प्लस था ना उससे और 11 प्रो प्लस से, सिर्फ और सिर्फ बैक कवर इसका चेंज करा है, इसका फ्रेम सेम टू सेम है, इसकी डिस्प्ले सेम टू सेम है, बस वही चिपका दिया, अंदर थोड़े बहुत चीज़ें चेंज करके इन्होंने चिपका दिया, वही पैसा बचाने के लिए होता है, दिमाग से बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को, हम जैसे आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और भाई दोनों ही मोबाइल में आप लोगों को सेम डिस्प्ले मिल जाती है, सेम टू सेम यही डिस्प्ले आप लोगों को 11 प्रो 5G में मिल जाती है, कोई थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम 6.7 इंच की HD प्लस की OLED डिस्प्ले, उसमें भी कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें भी कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। और भाई अब बात करते हैं जिस चीज़ में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया, वो है इसका कैमरा। इसमें भाई इन लोगों ने दिया 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 200 मतलब समझ रहे हो 200 मेगापिक्सल कितना होता है भाई, आईफोन का 12 मेगापिक्सल ही ना इतना खतरनाक फोटो दे देता है, 12 मेगापिक्सल ही आते थे पहले, अभी तो भाई लेके आए हैं बड़े कैमरे 14 प्रो मैक्स में, नहीं तो इनका क्या था नॉर्मल 12 मेगापिक्सल कैमरे लोग देते थे। तो भाई इसमें इन लोगों ने दिया है 200 मेगापिक्सल का कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जो इसका मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है, सोनी का सेंसर दिया है भाई इसमें लोगों ने, जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक मैक्रो लेंस है, अल्ट्रा मैक्रो दिया है इन लोगों ने इसका भी नाम। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ आप लोगों को, सबसे स्पेशल चीज़ इसकी भाई 200 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें, वो इसके साथ आता है। और भाई इस कैमरे से आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना, वो 4K नहीं कर सकते, मतलब समझ रहे हो ना, 200 मेगापिक्सल दिया है बट 4K वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 60fps। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से भी 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फ्रंट से इसके 30fps तक कर सकते हो, रियर से 60fps, कोई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। 20x का डिजिटल जूम दिया है भाई इसमें इन लोगों ने, मतलब सबसे बेवकूफ़ तो देखो ज़्यादा ही बना है, मतलब कोई आदमी 30,000 रुपये का मोबाइल ले रहा है और वो 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता भाई। इससे बड़े तो सैमसंग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है F54 5G, उससे 4K की वीडियो रिकॉर्ड होती है, क्या कहूँ बस यार। और एक और अचंभे वाली बात बताऊँ मैं इसकी, जो इसका 11 प्रो 5G है उसमें इन लोगों ने 100 मेगापिक्सल दिया है, उसमें इन लोगों ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जो इसका मेन कैमरा है वो 100 मेगापिक्सल का है, जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है 11 प्रो में भाई। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बताऊँ मैं आप लोगों को, इसके रियर कैमरे से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, समझ रहे, मतलब 30fps तक 4K वीडियो कर सकते हो, जो सस्ता फोन है उससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो इनका फ्लैगशिप महंगा फोन है जो जिसमें 200 मेगापिक्सल दिया है उससे आप लोग नहीं कर सकते 4K वीडियो रिकॉर्ड। भाई वाह,
गालियाँ तो देखो बनती हैं। और भाई इसमें भी आप लोगों को 20x का डिजिटल जूम मिल जाता है। और भाई बात करें इसके प्रोसेसर की, तो दोनों ही मोबाइल में आप लोगों को MediaTek Dimensity का 7050 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और भाई 6 RAM का ये प्रोसेसर है। और भाई बात करें इसके अंतुतु स्कोर की, तो 5,50,000 से भी ऊपर का इसमें अंतुतु स्कोर मिल जाता है। तो मतलब ठीक है प्रोसेसर, तो भाई उस हिसाब से कहूँगा मैं 30,000 के लायक तो नहीं है प्रोसेसर, बट ठीक है काम चला हुआ है। मैं कहूँगा अगर आप लोग हैवी गेमिंग खेलोगे ना तो उसके लिए तो नहीं हैवी, जो स्पेशली गेमिंग के लिए मोबाइल्स होते हैं ना उनसे तो थोड़ा सा डाउन में इसके प्रोसेसर को कहूँगा। नॉर्मली आप कभी कभार थोड़ा बहुत गेम खेलते हो उसके लिए ठीक है, पर भाई उसके लिए तो 20,000 रुपये में मोबाइल आ जाएगा, उसके लिए 30,000 रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है भाई। और भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है इसमें आप लोगों को, मतलब कि एक सिम डाल सकते हो और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो या फिर 2 सिम डाल सकते हो, मतलब 256 GB आप लोग मेमोरी दे रहे हो उसके बाद हाइब्रिड सिम स्लॉट भी दे रहे हो, ठीक है चलो ठीक है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है इसमें। और भाई डॉल्बी एटमॉस डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, टाइप सी का इसमें आप लोग ऑडियो के लिए मिल जाता है, 3.5 mm का जैक इसमें नहीं मिलता आप लोगों को। बात करें इसकी UI की, तो इसमें Realme UI 4.0 मिल जाता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। और भाई जो 11 Pro Plus है इसमें आप लोगों को बैटरी तो आप लोगों को दोनों ही मोबाइल में 5000 mAh की मिल जाती है, बट जो Realme 11 Pro Plus है इसमें आप लोगों को 100 वोल्ट की सुपर हुक चार्जिंग मिल जाती है। वहीं बात करें 11 Pro की, तो उसमें आप लोगों को 67 वोल्ट की सुपर हुक चार्ज मिलती है, मतलब दोनों में चार्जर भी घटा दिया भाई। और जो इसका Realme 11 Pro है उसमें आप लोगों को एक वेरिएंट एक्स्ट्रा मिल जाता है स्टोरेज के मामले में, उसमें आप लोगों को 8 128 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है, 8 256 वाला मिल जाता है और 12 256 वाला मिल जाता है। मतलब 11 Pro में आप लोगों को 3 वेरिएंट मिल जाते हैं और 11 Pro Plus में आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलते हैं। बात करें इनके प्राइस की, तो जो Realme Pro Plus 5G है उसका जो 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 27,999 रुपये। वहीं बात करें इसके 12 GB 256 GB वाले वेरिएंट की, तो उसका प्राइस है 29,999 रुपये, मतलब कि 30,000 रुपये मान के चलो पूरा। और भाई बात करें Realme 11 Pro की, तो जो इसका 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 23,999 रुपये, और जो 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 24,999 रुपये, और जो इसका 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 27,999 रुपये। मतलब कि Pro Plus का जो 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस भी 27,999 रुपये, और जो 11 Pro है इसका 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है इसका प्राइस भी 27,999 रुपये। मतलब इसका लोअर वर्जन और इसका हायर वर्जन दोनों का सेम रेट है। तो भाई देखो एक चीज़ तो मैं क्लियरली आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई, ओवर प्राइस तो देखो है बहुत है, कम से कम भी 3,000 से 4,000 रुपये ओवर प्राइस है। जो इसका 11 Pro है ना भाई, उसका इन्होंने प्राइस रखना था 19,999 रुपये, मतलब 20,000 रुपये ठीक था भाई उसका प्राइस। और जो दूसरा है 11 Pro Plus, ये 25,000 रुपये तक ठीक था, मतलब 30,000 रुपये तक लेके गए। मैं वही कहूँगा कि 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इसका प्राइस रखा गया, बिल्कुल रखा गया भाई। अरे भाई है क्या इसमें यार, कुछ भी नहीं, बेवकूफ बना रखा है पब्लिक का। 200 मेगापिक्सल क्या है भाई, 200 मेगापिक्सल कुछ भी नहीं है। जहाँ काम करना चाहिए वहाँ पे काम करती नहीं है कंपनियाँ, अब बस फालतू में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी ये लगा दिया कभी वो लगा दिया, कर्व डिस्प्ले दे दी, 200 मेगापिक्सल दे दी, 3,000 मेगापिक्सल दे दी, 4,000 मेगापिक्सल दे दी। अरे भाई काम तो करेगा कम से कम उस हिसाब से। तो भाई देखो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं क्लियरली कहूँगा भाई इस रेंज में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। 30,000 रुपये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है भाई, वन प्लस ले लो, सैमसंग ले लो, सैमसंग के 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे आप लोगों को, IQ का मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे भाई 30,000 रुपये में। तो अगर मुझसे पर्सनली राय पूछोगे मेरी, तो मैं तो कहूँगा देखो बाकी बहुत सारे ऑप्शन है तो मैं उन पे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो बस भाई वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। जो भी आप लोगों का फीडबैक है मुझे लेकर के, वीडियो को लेकर के और स्पेशली इस मोबाइल को लेकर के, प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना इस मोबाइल को लेकर आप लोगों का क्या फीडबैक है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।